तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं लेकिन अच्छे खासे डिस्काउंट पे इस वक्त अवेलेबल हैं। अब देखिए, पिछले एक दो हफ्ते से हम लोग लार्ज कैप स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे थे क्योंकि लगातार जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स थे, चाहे वो आईटी सेक्टर था, एफएमसीजी सेक्टर था, बैंकिंग सेक्टर था, सारे जो स्टॉक्स थे वो ऊपर जा रहे थे। लेकिन इस वीक हमने देखा है कि आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, कुछ बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज में भी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लार्ज कैप कंपनीज में बात करते हैं तो इस वीडियो में तीन चार हम लोग लार्ज कैप कंपनीज पे बात करेंगे और कुछ फिर हम स्मॉल कैप कंपनीज पे बात करेंगे जो कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो जरूर करें। अब दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है, ये वीडियो सिर्फ रेफरेंस और एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ये नहीं रहेगी वीडियो। अब सबसे पहली कंपनी जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है इंफोसिस लिमिटेड। तो अगर आप इस शेयर के बारे में देखेंगे यहां पर तो अभी रिसेंटली ये इसका शेयर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, 1246 रुपए से 1323 रुपए के आसपास इसका शेयर चला गया था। अब फिर से इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली है इस वीक और ये 1265 रुपए के आसपास आ गया है। तो इस शेयर में अगर फिर से ये 1200 से लेकर 1250 के लेवल्स आते हैं तो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। 1200 से लेकर 1250 में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन याद रखिएगा कि आने वाले 6 महीने में भी इस स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जब जब ये अपने 1250 के लेवल्स पे आए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए अच्छी बात क्या है कि वैल्यूएशन वाइज भी अभी इसमें काफी सस्ता ये शेयर हो चुका है, 22-23 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग चल रही है। मीडियन प्राइस टू अर्निंग 5 सालों की आप देखेंगे 25 के आसपास है, 10 सालों की आप देखेंगे तो लगभग 10 सालों की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ये शेयर इस वक्त यहां पर आ चुका है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर फिर से शेयर 1200-1250 के लेवल्स पे अगर आता है तो आपको यहां पर मिल रही है, तो इस शेयर पे नजर रखिएगा। दूसरा शेयर जिसमें अच्छी गिरावट इस वीक देखने को मिली है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें एक मेजर जो शेयर होल्डर थे उसने कुछ सेलिंग की थी जिस वजह से अगर हम कुछ रिसेंटली देखते हैं आप देखेंगे 2000 रुपए के आसपास जाके इसके शेयर ने सीधा 1872 रुपए के आसपास आ गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 2014 रुपए के आसपास 31 मई को ये गया था, उसमें ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ फिर गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है और 1872 के आसपास ही आप देखेंगे जो सपोर्ट था वो यहां पर था। तो 1272 के आसपास एक सपोर्ट है, यहां पर इस लेवल्स पे आपको नजर रखनी है। और अगर हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसपे हमने प्रीवियसली इन्वेस्ट किया था, ये लेवल्स 1700 के लेवल्स हैं जहां पर अगर आपको मिलता है तो आप खरीदिए। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी काफी सस्ता ये शेयर इस वक्त हो चुका है। आप देखिए रिसेंटली ऑल टाइम अपना जो हाइएस्ट इसने नेट प्रॉफिट था वो पेश किया था किसी भी क्वार्टर का, ईयरली प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के लेवल पे चल रहे हैं। तो अभी भी इस शेयर ने रनअप नहीं दिया है, एक साल में भी अगर हम देखते हैं रनअप नहीं आया है। और लेकिन आपको साथ में यही समझ रहे हैं कि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे लेवल्स पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं लेकिन जब डिस्काउंटेड लेवल्स पे आपको मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तब इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए अभी इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है 1800 से 1700 के लेवल्स में ये शेयर नेक्स्ट वीक जाता है तो यहां पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसके बाद एक और निफ्टी 50 इंडेक्स का ही स्टॉक है, ये भी यूपीएल लिमिटेड। तो ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, केमिकल्स बना रही है अलग अलग। अब केमिकल सेक्टर पे मैंने कई बार आपको बताया है अच्छे रिटर्न्स पिछले एक दो सालों में केमिकल सेक्टर ने नहीं दिए, कमोडिटी के प्राइस बढ़ना, इन्फ्लेशन वगैरह पे बहुत ज़्यादा असर केमिकल सेक्टर पे आया है। अब ये स्टॉक भी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स पे इस वक्त आ चुका है। तो आप देखेंगे अगर हम एक साल का इसका यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए 650 के लेवल्स पे ये शेयर गया था, वहाँ से अच्छा रनअप आया था। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी दोबारा से 650 के लेवल से इस शेयर में यहाँ पर उछाल देखने को मिला था। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 650-630 के लेवल्स पे ये शेयर अच्छा एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आया था। तो 650 से 670-680 के लेवल्स पे अगर ये शेयर मिलता है तो यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। अपने ऑल टाइम हाई से भी अगर आप देखेंगे अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये शेयर यहाँ पर अवेलेबल है, 836 रुपये के आसपास का
ऑल टाइम हाई इस शेयर का इस वक्त रहा है। तो ये भी एक शेयर है जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। अब एक और शेयर है, लार्ज कैप कैटेगरी का ही शेयर है, जहां पर रिसेंटली एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे। अब शेयर बहुत ज्यादा महंगा है तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पेज इंडस्ट्रीज की। तो 38,000 के आसपास इसका शेयर इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, ऑल टाइम हाई अगर हम देखते हैं 54,000 रुपीज के आसपास रहा है। तो शेयर फंडामेंटली काफी अच्छा है, काफी अच्छी स्कोप है इस कंपनी में ग्रोथ की। और यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर 42,000 से गिरावट इसके जब रिजल्ट्स आए थे, ह्यूज वॉल्यूम के साथ गिरावट यहां पर देखने को मिली थी। तो ये जो लेवल्स थे 37,000 के आसपास के, यहाँ पर भी आप देखेंगे 36,000-37,000 रुपये के आसपास ये गया हुआ है। तो 37,000 रुपये के जो लेवल्स हैं वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाले हैं। जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस शेयर के बारे में हो गई थी अभी रिसेंटली, तब भी 37,000 रुपीज़ के आसपास गया है। शेयर अच्छा है, जो कंपनी का काम है वो काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रांड है, जॉकी का लाइसेंस इनके पास है, और जॉकी का जो ब्रांड है वो अभी भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर करने वाला है। तो इस कंपनी को ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर, बहुत ही जब ये 35,000-36,000 इन लेवल्स पे आ जाए तो आप एक शेयर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि इस शेयर में दिक्कत क्या है, आप एवरेज नहीं कर पाओगे। 3-4 शेयर एक बारी में आप नहीं खरीद पाओगे, गिरेगा तो भी आप एवरेज नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर इसमें एंटर करते हैं तो एक शेयर जब बहुत ज़्यादा गिर जाए, 35,000-36,000 रुपये के आसपास ही आ जाए, तब आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब हमने यहाँ पर चार लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर ली, अच्छी खासी वैल्यूएशन इन चारों कंपनी की है। अब चार स्मॉल कैप कंपनीज पर हम बात करेंगे जिनमें गिरावट देखने को मिली है। हमने पिछली कुछ वीडियोस में भी इन स्टॉक्स को कवर किया था, अभी भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे है। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, याद रखिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। गिरावट में ये स्टॉक्स 40-50% भी गिर जाते हैं, और अच्छी रिटर्न देंगे तो एक साल में 100-200% की भी रिटर्न दे सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड दोनों चीज़ें ही यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा आपको याद रखना है। पहली कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप 50% डिस्काउंट पे ये शेयर अवेलेबल है। अगर हम ऑल टाइम हाई से बात करते हैं, 1,000 रुपये से गिर के 566 रुपये के आसपास इसका शेयर है। मार्केट कैप अभी भी बहुत कम है, 7,000 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर आप देखेंगे 530 के आसपास इसका सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखिए एक साल का चार्ट देख रहे हैं, 540 रुपये के आसपास गया था, फिर उछाल आया था, फिर गिरावट आई है, तो 530-40 रुपये के आसपास फिर सपोर्ट बना है, और फिर 530-40 रुपए के आसपास सपोर्ट बनाए। तो 530-40 रुपए का जो इसके प्राइजेज हैं वो काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव यहाँ पर सपोर्ट जोन का काम करने वाले हैं। तो ये जो लेवल्स हैं इनको याद रखिएगा। शेयर अच्छा है, देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर आप रिटर्न्स देखिए, शेयर एक अच्छा मल्टीबैगर शेयर रहा है। 10 सालों में 19% की CAGR रिटर्न है, रिसेंटली 77% की CAGR है। तो होता क्या है, जब शेयर रिसेंटली 2-3 सालों में अच्छी रिटर्न्स दे देता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। ऐसा ही कुछ इस शेयर में भी देखने को मिल रहा है। तो केमिकल सेक्टर है तो वो चीज़ों भी आपको यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए तीन कंपनीज जिस पे रिसेंटली हमने बात की थी, जो सौरभ मुखर्जी के जो पोर्टफोलियो था उसमें भी ये कंपनीज कवर थी, और अच्छे डिस्काउंट पे ये कंपनीज अवेलेबल हैं। जो फ्यूचर की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छी इन कंपनीज की नज़र आ रही है। तो सबसे पहली कंपनी आ जाती है यहाँ पर, टारसन प्रोडक्ट्स। तो इस कंपनी को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा खासा डिस्काउंट पे इस वक्त अवेलेबल है, 50% गिरी हुई है। मार्केट कैप देखें तो छोटी कंपनी है, तो देखिए यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो छोटी कंपनी है वो 50-50% तक गिर जाती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की कंपनी होगी तो जब ये रिकवरी करेगी तो 2-3 महीने में ही रिकवरी ये सारी करके दे सकती है। जैसे हमने रिसेंटली अभी इंडिगो पेंट्स में देखा था, उसमें भी यही था, स्टॉक लगातार गिरता रहा, लेकिन जब रिकवरी आई तो स्टॉक ने एक महीने में ही 40-50% की रिटर्न दे दी थी। लेकिन आपको पेशेंस रखने होंगे, वो पीरियड कब आएगा वो हमें नहीं पता होता, 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, तो उस लेवल के पेशेंस आपको रखने होंगे। तो ये कंपनी काम क्या कर रही है, देखिए डिजाइनिंग डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो रीयूजेबल जो कंज्यूमेबल्स हैं जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स यूज कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज कर रही हैं, डायग्नोस्टिक कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इनके लिए जो रीयूजेबल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है। तो काम काफी अच्छा है, जो इसका सेगमेंट है वो काफी अट्रैक्टिव यहां पर नजर आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, अभी इसकी काफी वैल्यूएशंस गिरी हुई हैं, तो
यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो इसके लेवल्स हैं 530 531 के आसपास, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन का काम यहां पर करने वाले हैं। तो 10-20 रुपए और सस्ता होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर सपोर्ट जोन के हिसाब से मिलने वाली है। फंडामेंटली अगर हम यहां पर देखेंगे तो लगातार इसने सेल्स अपनी इंक्रीज की है, हालांकि इस साल थोड़ा सा यहां पर सेटअप में इसको दिक्कत आई है, लेकिन साथ साथ कंपनी के अगर आप यहां पर देखेंगे जो कंपनी की सीवीप है उसमें देखेंगे तो एक्सपेंशन मोड में ये कंपनी चल रही है, तो आने वाले टाइम में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक कंपनी है जिस पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा पोशाक लिमिटेड यहां पर आप देखेंगे तो ये कंपनी भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इसके अलावा परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग कंपनीज ये काम कर रही है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे आई हुई है, अच्छी कंपनी यहां पर नजर आ रही है, लेकिन इसको भी अगर आपको ऐड करना है तो ये जो लेवल्स हैं इसके जहां पर इसके रिजल्ट्स के बाद ये गिरावट आई थी, ये मुझे लगता है कि इसने अपना 52 वीक लो यहां पर बना लिया है। 6200 से 6300 का जो लेवल्स हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स यहाँ पर इस कंपनी के नज़र आ रहे हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। कंपनी की ओवरऑल हम ग्रोथ अगर यहाँ पर एक बार ही देखते हैं तो ओवरऑल ग्रोथ अगर देखेंगे 34 करोड़ से लेकर 212 करोड़ की यहाँ पर लगातार सेल्स में इम्प्रूवमेंट है, हाईएस्ट एवर सेल्स है अगर हम इस सेल्स की बात करें, प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स हैं। कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी रही है, 10 सालों में 57% की रिटर्न्स दी है। तो देखिए कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं है एक दो सालों में स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है तो कंपनी में कुछ खराबी आ जाती है। तो यही कंपनीज के मौके होते हैं जो आपको यहां पर कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में मिलते हैं। इसके बाद GMM फॉडलर पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो ये कंपनी में भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। यहां पर अगर हम देखेंगे कंपनी अपने जो 2000 के लेवल से उससे गिर के अभी 1400 के लेवल्स के आसपास इसका शेयर यहां पर आ चुका है। तो यहां पर भी अगर हम देखते हैं, अगर हम ओवरऑल इनकी ग्रोथ देखते हैं तो आप देखेंगे 132 करोड़ से लेकर 866 करोड़ तक इसका सेल्स हो गई है, सेल्स लगातार इंप्रूव हो रही है। प्रॉफिट यहां पर इसका सिर्फ यहां पर जो मार्जिन्स हैं उसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स इसने सेल्स इसने 2023 में दिखाई है और प्रॉफिट्स भी इसके काफ़ी अच्छे खासे इंप्रूव यहां पर हुए हैं। साथ साथ आप देखिए कंपनी ने मेजर यहां पर फिक्स्ड एसेट्स में अपने बढ़ावत की है, 50 करोड़ से लेकर अब 1200 करोड़ के आसपास इसके जो प्रॉफिट्स हैं जो इसके फिक्स्ड एसेट हैं वो पहुंच गए हैं। तो ये चार कंपनीज जो हमने बात की है सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स इन कंपनीज को वॉचलिस्ट में ऐड करिए, इनको पढ़िए, इनका बिजनेस समझिए, इनके प्रीवियस जो इनका डेटा है उसको समझ कर ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये कंपनीज हैं जो अभी काफ़ी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया उसके पीछे भागने से अच्छा है उन कंपनीज पे नजर रखिए जो गिरावट आ रही है जिनमें, और ऐसी कंपनीज में धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे आपको आराम से 15-20% 25% की रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिलती है। प्रीवियसली हमने बहुत सारे ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ऐसी रिटर्न्स भी जनरेट की है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी, याद रखिएगा लेकिन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ये वीडियो नहीं देती है, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर जाकर